ये मेरी छत पर बना हुआ एक छोटा सा टेरेस गार्डन है जिसमें लगभग 200 से 250 पौधे लगे हुए हैं और ये फुल्ली ऑटोमेटिक गार्डन है दोस्तों। इसमें होगर लगा हुआ है, ड्रिप लगे हुए हैं और कम्प्लीटली इसमें इरिगेशन की व्यवस्था की गई है और इसको बड़ी ही आसानी से कम बजट में हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं दोस्त। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास वर्टिकल शेप में 3 रो में पौधे लगे हुए हैं इस दीवार के ऊपर। हम इन तीनों ही रो को अलग अलग तरीके से पानी देते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारा एक हैंगिंग पॉट है जिसके अंदर बॉटल रखा हुआ है और इसमें से भी बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है। ये लगभग 1 रुपये का एक ड्रिपर होता है जो किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की बॉटल में फिट हो जाता है और आप इसको इस तरह से भरकर अपने गमले में रख दीजिए। दूसरा तरीका दोस्तों हमारा ड्रिप सिस्टम है। ये आप देख सकते हो, हमारा ड्रिप सिस्टम के ड्रिपर लगे हुए हैं। ये हमने अलग अलग पौधों के हिसाब से अलग अलग सेट कर रखे हैं। बड़े पौधों के लिए 4 लीटर वाला ड्रिपर लगा रखा है, छोटे पौधों के लिए 2 लीटर वाला ड्रिपर लगा रखा है। ये हमारी पानी की टंकी है जो ऑटोमेटिक मुख्य टंकी के साथ में भर जाती है और ओवरफ्लो होने के साथ में ये वापस उसी में गिर जाती है। यहाँ पर हमने वाल दे रखे हैं और 2 सब वाल दे रखे हैं। जिस लाइन में हमें पानी देना रहता है उस लाइन का हम वाल ऑन कर देते हैं दोस्तों। हमारे फोगर है, आप देख सकते हो, ये एक गार्डन में एक नमी मेंटेन करके रखते हैं और गार्डन का टेम्परेचर भी एकदम से डाउन कर देते हैं। अभी जानना चाहते हो कि मैंने ड्रिप और फोगर कैसे इंस्टॉलेशन किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।